25 लाख से 5 लाख तक की। हमने किसानों के कर्ज माफ किए जहां जहां हमारी सरकार रही, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमने कर्ज माफ किए। इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ किया और कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमारा पशु की समस्या हल कर दी, गौशालाओं को मजबूत किया, समूह को जोड़ा उनसे, महिलाओं को रोजगार मिला उससे, महिलाएं जो है उनके 60-70 हजार रूपये कमा रहे थे गौशालाओं में जुड़ के। जो दूध आता था उसकी दही, मक्खन, मिठाई, खोया, ये सब बनवा के पैकेजिंग करवा के सिखा के बहनों को बेच रहे थे। गोबर खरीदा हमारी सरकार ने जनता से, गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके गांव में भेजा। जब जनता को पता चला गोबर खरीद रही है सरकार तो क्या हुआ, जानवरों का देखभाल होने लग गया। जनता ने सोचा एका जानवर घर में रख लेंगे, हमारी आमदनी हो जाएगी, हम देखभाल कर लेंगे, समस्या ही हल हो गई, खत्म हो गई। यहां देखिए, धर्म की बातें करते हैं, गौ माता की बातें करते हैं, गौशालाओं में न चारा है, न पानी है, न छत है, गाय मर रही है सर। कुछ सालों पहले मैं यहां थी, मैं गई थी देखने के लिए, क्योंकि उस समय कई ऐसे वीडियो निकले थे भयानक, 40-50 गाय मरी हुई है, कुत्ते खा रहे हैं उनके घाव, वहीं पे पड़ी हुई है धूप में, किसी को बुलडोजर से धपकाया जा रहा है, कोई तो ऐसे ही पड़ी है, ये स्थिति है। तो अब आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कैसी सरकार चाहिए।